अमृतसर विखे श्री राधा कृष्णा मंदिर गली टबकरा झील मंडी कोतवाली च श्री राम कथा का आयोजन किया गया। पत्रकारां नाल गलबात करदियां उन्हां दस्सिया कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है अते यह कथा पितरां नूं खुश करन लई कीती जांदी है, जिस नूं उचेचे तौर ते सुनन लई प्रेस संघर्ष जर्नलिस्ट एसोसीएशन दे आल इंडिया प्रधान संजीव टुन जी अपनी टीम नाल मंदिर विखे पहुंचे अते आशीर्वाद लिया। धन्यवाद। मैं प्रदीप गोयल, आज बड़ी खुशी की गल है कि सनातन धर्म मंदिर श्री राधा कृष्ण गली डबगरां च महंत हरिकृष्ण शरण जी महाराज जी के सने के श्री राम कथा का आयोजन श्रद्धा च हो रहा है। लोग कहते श्रद्धा च क्यों हो रहा है, ये पितर पक्ष होंदा वै जिहड़ा भी प्रभु श्री राम के अजल दिन पितर पक्षी जिहड़ी कथा सुनदा ना उन्हां दे पितर खुश होंदे आ। ये बारे असीं नहीं कहते, बड़े प्राचीन शास्त्र कहते अज के दिन दान पुन लोग चलो करना है, वो अपनी करना है। जिहड़ा प्रभु श्री राम कथा सुनते ही है ना खरे, उन्होंने उन्हें पितर बड़े खुश होंगे है तो उन्होंने खुश हो के अपना आशीर्वाद देंगे है। अजकल ये मंदिर वेखो जी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ये इस टाइम जो विराजमान ने महंत हरिकृष्ण शरण जी महाराज जे इत गद्दी दे विराजमान ने, वो बड़े सरल सुभाव के बड़े निर्मल संत ने। जो अभी मन च बैठे बैठे विचार है कि प्रभु राम कथा करा लीए तो कहते करा लो, असी कुछ नहीं करने वाले, करने वाले परमात्मा ही होंदा। इत इस मंदिर बड़े उत्सव होंगे ने, महाशिवरात्रि उत्सव शिवरात्रि बड़ा उत्सव हों जिन्हों प्रभातफेरी कटी जाती ने, चार पहर का पूजन होंगे, नवरात्रियों का पूजन होंगे, श्री दुर्गा स्तुति पाठ होंगे, मतलब हर धार्मिक आयोजन इतने मंदिर किया जाता। इस तो पहला ये यात्रा मतलब कि कथा तो पहला ना 21 मंगल कलश महिलावां चल के जिहड़ियां पूरे इलाके का राउंड मारे उन्होंने मंगल कलश तो महल महल च उन्होंने गई अपने आशीर्वाद दिता सारे ने, तो सारे इस कथा चाहो तो सुनो श्रवण करो तो अपने पितरों खुश करो कि परमा राम कथा बड़ी दुर्लभ कथा हैगी है। जे जिथे हनुमान इतने भी कहा जाता वे कि जिन्हें राम कथा होंगी है तो हनुमान जी महाराज उत्थे बैठे होंगे है, इस कोई शक नहीं गा, ये अपना आशीर्वाद देंगे है। असी कलयुग इंसान हाँ, राम कथा तो वड्डी कोई कथा नहीं, पितर पक्ष सारिआं नूं इस राम कथा का श्रवण करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। महंत हरिकृष्ण शरण हमारा नाम है और सनातन धर्म श्री राधा कृष्ण मंदिर गली डबकरा जो झील मंडी कोतवाली में स्थित है, और यहाँ पर इस श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री वृंदावन धाम से श्री शिवांश भाई मिश्रा जी पधारे हैं कथा व्यास के रूप में, जो व्यास गद्दी पर विराजमान होकर सभी संगत को श्री राम कथा का प्रसाद जो है वितरण कर रहे हैं। अब थोड़ा व्यास जी मंदिर जो है यहाँ पे कितना पुराना मंदिर है, ये मंदिर तो बहुत काफ़ी प्राचीन है, हमारे दादा गुरु जी ने इसकी स्थापना किया है जी, और तभी से चलता आ रहा है जो है सभी भक्त। समाज के लिए आप समाज में जो बुरे काम लोग करते हैं उनको एक अच्छे मंदिर के साथ जोड़ने के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अच्छी सेहत के लिए? समाज में सभी लोगों को यही संदेश है कि सब सन्मार्ग पर अच्छे मार्ग पर चलें, और अच्छे जो सत्पुरुष हैं ज्ञानी लोग हैं इनकी इनसे ज्ञान लेकर और अपने जीवन को सदाचार युक्त बनाएं, जिससे हम जिस प्रयोजन से इस संसार में हम हमारा आगमन हुआ है हम उसे पूरा कर सकें और भगवत प्राप्ति कर सकें। श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह होता है हर साल नवरात्रि में? जी श्रद्धालुओं में तो नवरात्रों में बहुत उत्साह है, इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रों में लोगों में बहुत उत्साह है, और यहाँ भी नवरात्रों में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ होते हैं, रामायण पाठ होते हैं, और हवन कन्या पूजन आदि सभी अच्छी तरह से होता है।